महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ क्या उसके लिए दोषी कौन है? और तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि सभी लोगों को सरकार के दायित्व है कि वो घर पहुंचाए, कितना उचित मानते हैं आप इसे? महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो देशद्रोह का काम है। जिन लोगों ने मजदूरों को भड़का करके सोशल मीडिया में ये फैला करके कि ट्रेन आपके लिए घर जाने के लिए है, अब इतनी बड़ी संख्या में आप एक जगह लोगों को इकट्ठा कर दिए, तो उस सारे लोगों का जान आप जोखिम में डाल दिए, तो आप तो आतंकवादी काम कर रहे हैं। और आतंकवाद होता क्या है? तो भारत सरकार को निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए जो इस टाइप की बात सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा करके उनको बंद करना चाहिए। और जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको सबको पालन करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि लोगों को घर पहुंचाया जाए, तो आखिर तेजस्वी यादव है कहाँ? तो बिहार में है भी नहीं। ये बिहार में जब भी समस्या आती है तो बिहार छोड़कर भाग जाता है, चाहे वो फ्लड आया हो, चाहे AES हुआ हो का समस्या आया हो, या अभी जो कोरोना वाला है। बिहार में तो है, इनको क्या आइडिया है क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है? और इस तरह की बात बोल करके आप बिहार के लाखों लोगों का जान चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग अभी ट्रेवल करेंगे वो संक्रमित होने की खतरा उनमें, तो वो जो आएंगे तो अपने साथ साथ उनका परिवार, उनका गांव, उनके लोग, सबसे पहले तो उनके परिवार एक खतरा होगा जहाँ वो जाएंगे। तो क्या कहना चाहता है? उनके साथ उनके परिवार या गाँव सबको खतरा में डाल दें, सबका जान फंसा दें? तो इसलिए इस तरह की बात तो खैर कोई सेंसिबल आदमी नहीं करेगा। आज के परिस्थिति में आप लोग यही कहेगा जहां दिक्कत है। मैंने बताया कि बिहार सरकार पहला सरकार है देश में जो लोगों के मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपया 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों के अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया। जिस दिन हम लोग ये शुरू किए थे हम लोगों को नहीं लगता था कि 1-2 लाख से ज़्यादा होगा, अभी 6 लाख से ज़्यादा हो गया है और 11.5 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं। 48 जगह बिहार सरकार का बिहार के बाहर खाने का कैंप चल रहा है, लेकिन इससे सब निदान हो गया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बिहार सरकार भी, यहाँ के पदाधिकारी भी, डिफरेंट स्टेट के जो सरकार है पदाधिकारी है उनके टच में है, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो समस्या का निदान है वो किया जाए। लेकिन दिक्कत तो सब जगह है, दिक्कत तो रहेगी, ऐसी समस्या तो हम लोगों के जीवन में नहीं आया था। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं उसको अक्षरशः पालन करते हुए, जब इतना हम लोगों ने निकाल दिया 20-21 दिन संयम से 3 तारीख तक निकाल दें, तो इसी का एक एडवांटेज आप बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में आपको जो मिनिमम केस दिखाई पड़ रहा है उसका वजह यही है कि बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के लॉकडाउन तक का जो अक्षरशः पालन हुआ और जो लोग आए उनको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन में रखा, इस वजह से बिहार अभी बचा हुआ है। बाढ़ को लेके हम लोगों को दिक्कत है निश्चित रूप से, और ये जो 20-25 दिन जो प्रीसियस था, जो काम का समय था लॉकडाउन के वजह से, ये काम नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है और बाढ़ को सिंसल मानते हुए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें 3 शिफ्ट काम करा करके, और हम लोगों का 15 मई तक काम पूरा होना होता एंटी इरोजन का। अब उसमें लेट तो काफ़ी हो गया है और एक बार फ्लड आ जाता है उसका तो कोई समय सीमा है नहीं कब आएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको डे नाइट काम करा करके 15 मई तक काम पूरा करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।